भाई माई फॉल्ट, यस माई फॉल्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने क्या देखा है, फुल ऑन तुमको सेड्यूस कर देगा। एनीवे हर की फैंस, चलो बात करते हैं। सो देखो भाई, आज प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अजीबो गरीब अतरंगी सतरंगी टाइप स्टोरी के साथ एक नई पिक्चर रिलीज की गई है जिसका नाम है माय फॉल्ट। इस पिक्चर को फाइनली भाई मैंने अब देख के खत्म कर दिया, एंड ध्यान से सुनना, क्या बता तुम्हें कुछ धमाका देखने को मिल जाए, जिसको देखने के लिए भाई आपको अराउंड 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। हिंदी डब में रिलीज की गई है और उसकी डबिंग काफी बढ़िया। लेकिन बात करें अगर मेन मुद्दे की, इसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो या फिर नहीं, उसके लिए बस मैं यही कहूंगा, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। यस भाई, ये पिक्चर तुमको सेड्यूस कर देगी क्योंकि इसमें आपको एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, न्यूडिटी देखने को मिलेगी, एंड भाई जो एडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाले हैं, एंड उनकी गर्मी का आपको एहसास तब होगा जब मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो इस पिक्चर की अतरंगी कहानी सुनो। सो देखो भाई, एक लड़की है जो कि अपनी माँ के साथ निकलती है। उसकी माँ एक बंदे से प्यार करती है, उसी के पास जा रही है, जिस बंदे के पास जा रही है उसका एक बेटा भी है। एंड भाई जब लड़की अपने स्टेप ब्रदर के पास पहुंचती है तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कहानी सुनकर कुछ याद आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, उसके बाद इनके बीच में जो ठुकम ठुकाई की चीजें एस्टैब्लिश होती हैं, कैसे एस्टैब्लिश होती हैं और क्या हो पाती हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि इस पिक्चर को अगर आप कहानी और कैरेक्टर के लिए देखने जा रहे हो मत देखना, क्योंकि भाई पिक्चर का माल तो गर्म है, नो डाउट, क्योंकि जो एक्ट्रेस है वो हॉट है। जो आपको पूल पार्टी देखने को मिलेगी, किसेस देखने को मिलेंगे, सीन्स देखने को मिलेंगे, वो सच में बहुत ज्यादा हॉट है, आपको देख के मजा आएगा। लेकिन साथ ही साथ भाई जो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर का जो रिलेशनशिप दिखाया गया वो शायद आप कंफर्ट फील नहीं करोगे देखते हुए। एंड भाई उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम इंडियंस हैं। हाँ, यही रीजन है। बट अगर तुम इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हो तो हाँ, इस चीज में जो आपको माल देखने को मिलता है वो मजेदार है। मतलब अगर तुम ठरकी हो तो तुमको वो बुला रहा है, आओ और मेरे मजे लो। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस चीज में ना तो कैरेक्टर डेवलपमेंट की गई है, ना ही कहानी में उतना दम है, एंड ना ही जो एक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी केमिस्ट्री में ज्यादा दम है। अगर आपको एडल्ट सीन्स देखने हैं, आपको थोड़ा सा जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का जो एक रेस वाला जो चीजें देखने को मिलती है उसका थ्रिल महसूस करना है, या फिर जो आपको हॉट सीन दिखाए जाते हैं उनकी गर्मी को फील करना है, तभी आप इस पिक्चर को एक बार लगा करके बड़ा बड़ा के मजा उठा सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस पिक्चर को देख करके अपना टाइम दोगे, आप सोचोगे कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, देख करके एकदम उछल पड़ोगे, तो आपका बाकी चीज तो उछल जाएगा लेकिन मजा नहीं दे पाएगी पिक्चर। तो जो एक कंटेंट क्वालिटी की ऑडियंस होती है जो कि तलाश में रहती है हमेशा, वो इस पिक्चर को इजीली स्किप मार सकती है। बाकी अगर बात की मेरी तो बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इस पिक्चर को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 5 out of 10 stars। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं सुनना कि आपको पिक्चर कैसी लगी, वीडियो चली गई तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूँ वीडियो में। टिल देन बाय बाय। भाई कुछ भी कहो, सीन्स जबरदस्त थे।